reports that you're going to be singing a song now for the Uri martyrs and the Indian soldiers. Is that true? No. This is not correct. I think I was at a function in Delhi where a member of parliament who came and met me, he was acknowledging the Hanuman Chalisa that I've sung, and recently that I've sung the Aarti, Ganpati Aarti for Siddhi Vinayak. So he was saying, now you should sing one for this. But I said, yeah, but you know, I need to have some inputs. But I think he just went and said that he should sing, and then from should it became will, and from will it became something else. You know how the, you know better the media how it goes. Bachchan sir, Siddhant from NewsX. Sir, in the past, sir, now Bollywood has divided into two sections, and one is supporting Pak artists working in India, and others. Sir, meri haath jodke aapse prarthana hai. This is not the time. Sir, we need your advice. Just 1 minute. This is not the time, and I don't think it is right to put forward these questions. You know, who said what, why, where, how. This is not the time for it. It is the time for us. The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. I think it's the time to show solidarity towards our jawans and our armed forces who are sacrificing their life so that you and me can be safe here. That's what needs to be put into question, nothing else. Thank you. Amit ji, we hear from Pinkula. दशहरे की और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आपको फोटोग्राफी और सितार बजाने की हॉबी है। क्या इन हॉबीज को अभी आप टाइम दे पाते हैं? क्योंकि हर दिन आपके लिए नया दिन है और आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। सितार तो नहीं बजा पाता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन प्रयत्न करता हूँ। और जितने भी ये यंत्र हैं सब घर में हैं, यहीं पर ऊपर हैं। और यदा कदा समय मिलता है तो उनके सामने बैठ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ, सितार हो, पियानो हो, गायकी हो, गाना सीखना चाहता हूँ, भाषाएं सीखना चाहता हूँ, समय निकालूंगा इनके लिए। अमित जी, आपके राइट में सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे अमित जी, आज आपका जन्म दिवस है, बट आज दिलीप कुमार जी और सायरा बानो जी भी उनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट, 50वीं वर्षगांठ है उनकी, और हमने रात के मध्यांतर पे उनको बधाई भी भेज दी। अमित जी हियर, अमित जी, शिखर तक पहुंचने का जो ये सफर रहा है, इसमें आपने विविध तरह के रोल किए हैं, क्या शिखर वर्ड निकाल दीजिए, क्योंकि शिखर को मैं मानता नहीं हूँ जी। जहाँ तक आप अभी पहुँचे हैं, वहाँ तक आपने विविध तरह के, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे ऊंचा हूँ। आपने जो भी किरदार निभाए हैं, कोई ऐसा किरदार है जिसको रखने की ख्वाहिश आप रखते हैं? या सभी किरदार मेरे प्रिय हैं। जितनी भी फिल्में की हैं, जितने लोगों के साथ काम किया, जितने कलाकारों के साथ, सह कलाकारों के साथ काम किया है, वो सब मेरे लिए प्रिय हैं जी। लेकिन किसी एक की गिनती करना बाकियों का निरादर करना होगा, इसलिए मैं सबके साथ सम्मानित रूप से उनको देखता हूँ। अमित सर, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, आपके सामने अभी जो पिंक फिल्म आई थी सर, उसने बहुत इम्पैक्ट सोसाइटी में, सबके जहन में लेकर आई है, तो इसी तरीके से जो आगे फिल्में हैं सर आपकी, लगभग 9 फिल्में हैं 17 और 18 की बात करें तो, लगभग 9 फिल्में सर अभी जो हम लोगों जो खबर है, तो सर मुझे तो दिख नहीं रहे, आपको कहाँ से दिख रहे सर? पिंक जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ऐसे फिल्मों को सर आप? पता नहीं, हम इस ख्याल को लेकर के काम नहीं करते हैं कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या इससे समाज के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, इस सोच के हम साथ काम नहीं करते हैं। जो भी निर्माता निर्देशक होते हैं, वो यदि कोई कहानी ले आते हैं या कोई किरदार ले आते हैं, तो हम उसको देखते हैं और उसको पढ़ते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि इसमें काम करना है या नहीं काम करना। ये ख्याल हमारे मन में नहीं रहता है कि चलो ये करते हैं, इससे ये अच्छाई होगी या ये बुराई होगी या जो भी होगा। यदि उसको करने के बाद अगर कुछ, जैसा कि आपने कहा, इम्पैक्ट है, असर पड़ता है समाज पे, तो इसमें हमें बड़ी खुशी होती है। अमित जी, शिवांगी है फ्रॉम IBN 7। मेरा एक सवाल है आपसे, सीधा और सटीक सवाल। डिज्नी की फिल्म, अस्त्रा, हाँ, वो एक एनिमेटेड फिल्म है और
उन्होंने कहा कि हम एक जो किरदार है उसमें आपका रूप देना चाहते हैं, तो मैंने अनुमति दे दी। उसके बाद मुझे लगा कि अगर रूप मेरा है तो मेरी आवाज़ भी होनी चाहिए, तो उसमें हमने आवाज़ दे दी है और अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। कुछ 150 एपिसोड्स पूरे हैं कुल, उनमें से तकरीबन 60 या 70 में मैंने अपनी आवाज़ दे दी है, अभी 30-40 और बाकी हैं, वो भी करूँगा मैं। अच्छा, अरे मुझे नहीं मालूम था, देखूँगा मैं। अमित जी, शिवांगी है फ्रॉम IBN 7। मेरा सवाल आपसे ये है सर, इस तरफ आप कलाकार हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, मेरा सीधा सटीक सवाल आपसे ये है कि किसी भी कारणवश किसी भी क्षेत्र के किसी भी जगह के किसी भी कलाकार पर किसी भी तरह की पाबंदी प्रतिबंध कहाँ तक जायज़ हो, किसी भी देश के कहीं भी? इस प्रश्न को देखिए, मैं उत्तर मैंने दे दिया है पहले ही, उसको आप समझिए। हम सब कलाकार को सम्मानित करते हैं, बस। हाय सर, सर आई वांट टू आस्क, ऑन डेज लाइक दीस डू यू लुक बैक एट लाइफ एंड मे बी काउंट योर ब्लेसिंग्स और यू नो लुक बैक एंड थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड एंड हाउ योर लाइफ हैज बीन सो फार? सो या, आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट वी ऑलवेज थैंक द ऑलमाइटी, थैंक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स एंड वेल विशेस for whatever they have given to bring us to this place. One never dreamt of this earlier on, but you know, sometimes dreams become true. We put in work, we follow certain ideas and thoughts, and by the kindness and the luck and a little bit of perseverance, we achieve something. Hopefully that will be remembered. And hopefully there will be more opportunities for us to contribute. And sir, what is that one thing that keeps you going? Like, you are still strong, you can give anyone a run for their money. So what is that one thing that keeps you going and you are still at it? You know, for the past couple of years, everyone has been asking me this question. I really don't have an answer. Kya malum kya hai? Meri genes hain aise, main kya bataun? Mata pita ko dhanyawad dunga ki aisa hi banaya unhone mujhe. सर, मुझे दो चीज़ों में आपका रिएक्शन चाहिए। एक तो किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि आ रही है 13 तारीख को, उस पर आप जी बहुत ही अद्भुत कलाकार, न केवल गायक, संगीतकार, फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट भी की हैं, कलाकार भी रहे हैं, तो ऐसे अद्भुत कलाकार को अब क्या कहा जाए, उनको नमस्कार करूँगा, शत शत प्रणाम करूँगा। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जो मेरे लिए पार्श्व गायकी की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज भी उन्हीं गानों की वजह से हम लोग जीवित हैं। सर, हेमा जी का जन्मदिन है 5 दिन बाद। हाँ जी, 16 ये अक्टूबर महीने में बहुत सारे हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। सर, हेमा जी के साथ आपने बहुत काम भी किया है और अभी रिसेंटली, तो थोड़ा सा यहाँ सार्वजनिक रूप से क्यों, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल दूंगा उनको, बोलता हूँ मैं। जी जी जी, एक माइक दे दें। हाय सर, ओवर योर सर, सबसे पहले जन्मदिन की बधाई। जी धन्यवाद। हम लोगों की जिंदगी एक अनजान और अज्ञात मंजिलों की तरफ चल रही होती है, आप 75 पार कर चुके हैं अभी, 75 प्रवेश कर रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल, मैंने 75 आज कदम रख दिया है 75 में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा सुकून, शांति, संतुष्टि तीनों किस काम में मिलती है आपको? आप बहुत सारे काम करते रहे हैं जी, जी। और अनेक उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अलग चीज़ें अच्छी लगती होंगी, 75 की उम्र पर जब पहुंच रहे हैं तब क्या अच्छा लगता है? ये जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सुकून मिलता है। अदाकारी जब करते हैं कैमरा के सामने तो सुकून मिलता है, रात को सोशल मीडिया पर जाते हैं तो लोगों के साथ जो व्यवहार होता है, लेन देन होता है अपने ख्यालों का, वो सुकून देता है। परिवार के साथ समय बिताते हैं, मित्रों के साथ समय बिताते हैं, सब में सुकून मिलता है, कोई बुराई नहीं है इनमें, सब अच्छा लगता है सब काम। सर, योर मैजेस्टिक वॉइस ओवर, सर योर मैजेस्टिक वॉइस ओवर ऑलवेज इंस्पायर इन अस इवन मोर पेट्रियोटिज्म, एंड व्हेन यू ट्वीटेड अबाउट द यूरी अटैक्स, यू सेड डोंट मेस विद द इंडियन आर्मी, व्हाट मोर यू हैव टू से अबाउट दैट? जी, वो मेरी फिल्म का एक डायलॉग था, शायद आप बहुत बच्ची होंगी जब वो फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम था मेजर साहब, उसमें एक डायलॉग था। सर, ओवर योर टुवर्ड्स योर
wish you a happy birthday. Very, very happy birthday. Thank you. So my question to you is, you know, you have Sarkar 3 coming up. Ram Gopal Varma has promised you to present in an angry man, angry young man avatar yet again. What can you speak something about that film? Yeah, I think Sarkar is a continuation of the...